धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। मेवात के नूह इलाके में संस्कारियों द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो तो देश ही नहीं पूरी दुनिया को साफ साफ नजर आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी संस्कारियों द्वारा पूरे देश के अंदर दंगे बवाल किए जा रहे हैं। जी हाँ, पूरे देश के अंदर दंगे बवाल किए जा रहे हैं। फ्लैट में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको लेकर संस्कारी अपना संस्कार दिखाने के लिए बवाल काट रहे हैं, तो कहीं संस्कारी मुस्लिम छात्राओं को भगवा शॉल पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जबरन पहना दे रहे हैं, तो कहीं मजारों को तोड़ा जा रहा है संस्कारियों के जरिए, तो कहीं मुसलमान अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे इज्तिमा कहते हैं, तो वहां जाकर संस्कारी पुलिस अपना संस्कार दिखा दे रही है। कैसे कैसे और कहां कहां से ये तमाम घटनाक्रम सामने आए हैं और किस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हमने सबको समेटा है और एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर मनोज झा को सुन लीजिए। आज दंगा करने वाले को पता है कि मंत्री पद उसके लिए उपलब्ध है। कहानी मुसलमान से शुरू हुई थी, ये खून आपके दरवाजे तक पहुंच गया, ये मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है। किसी गरीब ने, किसी वंचित ने, किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने 4 थप्पड़ खाने के बाद एक बार हाथ पकड़ लिया तो वो हिंसा हो गई। इस सीवर की डेथ की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, मस्जिद मस्जिद घूम करके गड्ढा खोद रहे हो कि कहीं कुछ मिले। आपकी श्रद्धा इस बात में नहीं है कि वहां शिव निकले या फलाना निकले, आपकी आस्था इस बात में है कि एक और मसला मिले हाथ में। सुन लिया आपने प्रोफेसर मनोज झा को। राज्यसभा सांसद हैं और देश के जाने माने बुद्धिजीवियों में शुमार किए जाते हैं, आरजेडी के बड़े नेता माने जाते हैं। सीधे तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके की सोच वाले लोग वर्तमान समय में इंडिया की, भारत की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, तो वो जहां भी जाएंगे अपना संस्कार दिखाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम छात्राओं को जबरन भगवा शॉल पहनाई जा रही है। मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा वीडियो को साउंड के साथ भी देखो और सुन लीजिए। आगे से हट जाओ, आगे लगाई के आगे से हट जाओ, तकलीफ के लिए क्षमा। लोग एक बार आप बच्चों को देखने नहीं दे रहे हो, आप लोग पूरा कस लिए यार, कुछ बच्चों को देखने नहीं, साइड पकड़ रहे यार। अच्छा, आ जाओ आ जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हो गया था, खड़े हो जाओ, हम लोग भी खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाओ। देख लिया आपने, इस प्रोग्राम में मौजूद बताया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, वही जो WFI का अभी तक अध्यक्ष हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सांसद है, नेता है, जिसके ऊपर 6 महिला पहलवानों से बलात्कार का आरोप है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जमानत पर खुला घूम रहा है, वो मुस्लिम छात्राओं को भगवा शॉल पहना रहा है। इस तस्वीर को इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। क्या ऐसे शख्स को इस तरह के प्रोग्राम में बुलाने की जरूरत है जो लड़कियों से, महिलाओं से जुड़ा हुआ हो? खैर, जाने दीजिए, इनका संस्कार है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जो आई है बुलंदशहर के सियाना से। यहां पर तबलीगी जमात का कोई बड़ा इज्तिमा होना था, टेंट लगा दिया गया था, तैयारी की जा रही थी, लेकिन संस्कारी पुलिस आ गई और संस्कारी पुलिस ने तंबू उखाड़ डाला। संस्कारी पुलिस है, मुल्लान को कैसे प्रोग्राम करने दे सकती है? ये तो संस्कारियों का जो है राज है। संस्कारी बगैर परमिशन के भी कहें कि हम मेवात में जाएंगे, बवाल काटेंगे, दंगा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सरकार हमारे सामने कोई औकात नहीं रखती है, कानून हमें नहीं रोक सकता, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर ये अमन की भी बात करेंगे तो उसको भी करने नहीं दिया जाएगा। तो देहरादून में एक फ्लैट है, बताया जा रहा है वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी, संस्कारियों को इस बात की जानकारी मिल गई और संस्कारियों ने फिर वहाँ जाके क्या तांडव किया वो खुद आप तस्वीरों में देख लीजिए।
सबसे पहले तो मैं यह सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे हिंदू हित का हरण हुआ तो खून बहेगा सड़कों का। यहाँ पर उपस्थित है राम के बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनके द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की जानी है, लेकिन उससे पूर्व हमें जानना होगा कि हमारा आंदोलन किस लिए है। ये लड़ाई, ये आंदोलन किसी पीड़न करना है, उसके भ्रष्टाचार करना है। राज्य बढ़ चुकी है, हमारी यह लड़ाई है। प्रकरण 2013 से चल रहा है और किसान में झूठ नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भी स्थिति यह है कि कोई वाह, क्या हिंदुत्व है और क्या हिंदुत्व जाग उठा है 56 इंची का सीना रखने वालों के आने के बाद से। वरना देश में हिंदू पहले भी थे, मुसलमान पहले भी नमाज पढ़ते थे। मैंने खुद कई हिंदुओं के घरों में नमाज पढ़ी है। नमाज के वक्त अगर मैं कहीं था और किसी हिंदू के यहाँ, तो उन्होंने मुझे जगह दी, नमाज पढ़ने के लिए पानी भी मुहैया कराया। खैर, आज ये नया संस्कार है, जब तक किसी मुसलमान को ना मारो, उसके घर में घुस के जय श्री राम ना कहो या उससे जय श्री राम ना करवाओ, तब तक ये लोग हिंदुत्ववादी बन नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश के, लेकिन वो वीडियो आपके सामने रखें जिसमें मज़ारों को तोड़ा जा रहा है संस्कारियों के जरिए बुलडोजर से और बाकायदा हथौड़े से। उससे पहले आप ये खबर देख लीजिए जो छपी है आज, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाई है, मिठाई खाई है। वाह, क्या संस्कार दिखाया जा रहा है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पर जो है उत्तराखंड की धरती पर एक भी मज़ार, एक भी दरगाह नहीं रहने दी जाएगी। तो दंगाई जो है संस्कार ही, वो इनकी अनुसरण करने कैसे करने वो देख लीजिए। सभी साथियों को नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हमारा शिव मंदिर है और यहाँ पर भूलवश गलती से जो एक यहाँ पर एक मजार बनी थी, आज भगवान बद्री नारायण की कृपा से आज यहाँ पर इसका ध्वस्तीकरण है, डिमोलिशन है। बेटा साइड होना, ध्वस्तीकरण है और ये इसको अब यहाँ पर मंदिर में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये हमारे वीर हिंदू भाई, जय हो जय हो जय हो, आज इस मजार को डिमोलिशन कर दिया गया है। अमित ग्राम वार्ड नंबर 37 में जो एक मजार थी, आज इसको तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और ये जो मजार काफी दिनों से यहाँ पर पिछले सन 95 से बनी थी, राम वार्ड नंबर 37 में जो एक मजार थी और ये जो मजार, ये जो मजार थी अमित ग्राम में, आज इसको ढा दिया गया है। इसके अंदर जो मुर्दा था उसको उठा के पटक के फेंक दिया है बाहर, और अब ऋषिकेश के अंदर कोई भी मजार नहीं रहेगी। जितनी भी मजार होगी सबको हटा दिया जाएगा और मुर्दे को भगा दिया जाएगा। ये जो सोए हुए मुर्दे हैं, ये कोई भी नहीं रहेगा उस ऋषिकेश के अंदर। ये देवों की देवभूमि है ऋषिकेश, ये कोई मजार भूमि नहीं है। ये जितनी मजारे हैं सब तोड़ी जाएगी। हम लोग जय श्री राम, जय जय श्री राम, मारो वहाँ। वो कैसे तोड़ेगा, वहाँ चढ़ने का साधन नहीं है ना। चांद तारा तोड़ जाए, चांद तारा नहीं। जय श्री राम दोस्तों। अरे फटे चांद तारा नहीं टूट रहा वो, वैसे में ना कैसे में, अरे गुंबद गिरा खुद ही गिरेगा वो, हल्के लोग भेज देने लगा। हाँ अरे मसाला बहुत तगड़ा है भाई, अरे यहीं में मार रहे भाई, टूट जाएगा। अरे जय श्री राम,
जय श्री राम 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 हर हर महादेव 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 ये एक मजार है पानी दे दो यार हां ये हल्का होने चले गए अबे ओए तुम लोग खाया पिया नहीं अभी पहले एक जगह मारो अबे खा पहले मारने का तरीका ढूंढो मिल जाए ना पूरा ये यही माना सकते यहां ही मार रहे हैं मसाला सही है ना सारे सही है सरिया होगा ना सरिया भी होगा तीन आया था तुम्हारे हिस्से में ना भाई वो नहीं मिल रहा क्या अरे मैंने बोला तू नहीं मिल रहा उसको दुकान पे गन है किसको चाहिए ये हमारे सारे हिंदू शेर चढ़ रहे हैं और ये एक जो मजार पे जो चांद सितारा लगा है ये देखिए दरगाह बनाई हुई है पूरी अमित ग्राम में देवभूमि के अंदर ये दरगाह नहीं चलेगी ये वो फट्टे से भी टूट गया फट्टे मार के देखो एक बार गया 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 वो टूटने लगा सब टूटेगा सब भाई वहीं पे पानी चाहिए क्या देख लिया आपने जय श्री राम के नारे लगाते हुए धार्मिक नारे लगाते हुए दरगाहों को मजारों को तोड़ा जा रहा है और बाद में अपना संस्कार बोल बचन करके बताया भी जा रहा है कि कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है इस मजार को जो है आज यहां पर ध्वस्त करने का काम हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें अरे जेसीबी तो इसे उजाड़ेंगे ना भाई जेसीबी तो इसको उजाड़ेंगे वो कहाँ गया भैया वाला नहीं जोड़ जोड़ा ना ये वाला फिर बना के देने तो फिर बना लेंगे ना सला हल्का बना देंगे है कि नहीं तो फिर ऊपर तोड़ देंगे ना इसको खा के कौन चंद्रभूषण अरे इसका भी अलग दिमाग है नया बना के क्या होगा ये सब बनेगी तो दीवार में आज एक बात है ये सब जब टूट गया ये थोड़ा बना देगा थोड़ा बना देगा तीन ये तीन डांस सबको तोड़ देंगे मेरा कहने का मतलब है हाँ यही है कर देगी बस ये ऊपर ऊपर है ना अंदर बड़ा लगा वो तो हमें तोड़ दिया वो तो तोड़ दिया हमने सारा उसे तोड़ना जरूरी है थोड़ा इसको पूरा उजाड़ना है आ गई चलो जैसी भी आ गई भाई जैसी आ गई आ जाओ जैसी भी आ गई कितने खुश हो रहे हैं ये लोग इस देश को जलाने पर तुले हुए हैं यहाँ फिर वही कहना होगा कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2024 से पहले पूरे देश में दंगे बवाल कराएंगे प्रशांत भूषण भी ऐसी आशंका जता रहे हैं इसके अलावा देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी भी ऐसी आशंका जताते जा रहे हैं तो आशंकाएं बातें पूरी होती जा रही हैं ये तो शुरुआत है क्योंकि धीरे धीरे करके अभी ये मजारों तक पहुंचे हैं कल ये हो सकता है किसी मस्जिद और मदरसे पर भी जाकर इसी तरीके से हथौड़ा चलाने लगें क्योंकि कानून नाम की तो कोई चीज़ इन संस्कारियों के लिए बची ही नहीं है फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या लस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त